हरियाणा में अभी स्कूलों को खोले हुए 15 दिन ही हुए हैं कि अभी से छात्रों पर कोरोना का कहर टूटता दिखाई देने लगा है। जाखल के 2 स्कूलों में जब छात्रों के सैंपल लिए गए तो वहां जब रिपोर्ट आई तो सभी दंग रह गए, क्योंकि कुल 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव थे जो बाकी छात्रों के साथ ही पढ़ रहे थे। गनीमत है कि समय रहते टेस्ट किए गए, वरना इन छात्रों के जरिए संक्रमण बाकी छात्रों को भी प्रभावित कर सकता था। जानकारी के मुताबिक करंडी और गुल्लरवाला गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले कुल 155 छात्रों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए थे। छात्रों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। हमारे सीएससी जाखल के सीएससी म्योंग में के गांव गुल्लरवाला और करंडी गांव में 6 बच्चे पॉजिटिव आए। हमने जो गुल्लरवाला गांव में 55 बच्चों के सैंपल लिए थे जिसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए, और करंडी गांव में हमने 100 बच्चों के सैंपल लिए थे, वो स्कूल के बच्चे हैं और उनमें सभी 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आगे स्कूल को सैनिटाइज करके और पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चों का पूरों का सैंपल लेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना जांच के लिए सैंपल ले रहा है। इसी दौरान उनकी टीम के द्वारा गांव गुल्लरवाला में 55 स्कूली बच्चों के वो गांव करंडी में 100 स्कूली बच्चों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से दोनों स्थानों पर 3-3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है। संबंधित स्कूलों को सैनिटाइज करने व अन्य कोरोना निर्देशों की पालना करते हुए अगले कदम उठाने के आदेश दिए गए। बहरहाल जिस तरह से इन 2 स्कूलों में 6 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में जरूरी है कि विभाग सभी स्कूलों में एक बार छात्रों की जांच जरूर करे, ताकि अगर कोई पॉजिटिव हो तो उसकी पहचान कर समय रहते इलाज किया जा सके और दूसरे छात्रों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।